विश्वासघाती देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक ओर तो चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय इलाकों पर भी अपनी पैनी निगाहें जमाए हुए है। डोकलाम में भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के बावजूद चीनी सैनिक आए दिन भारतीय इलाकों में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा अब कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में चीनी सैनिकों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की खबर आई थी, हालांकि भारतीय जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। वहीं मोदी सरकार ने चीन के बिगड़ते तेवरों का इलाज करने का मन बना लिया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की सक्रियता को देखते हुए मोदी सरकार ने सीमा पर पहले से कहीं ज्यादा जवानों को गश्त पर लगा दिया है। जवानों के अलावा भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों और होइजर तोपों की तैनाती भी कर दी है। इससे तिब्बत से लगे चीन सीमा पर भारतीय सेना की ताकत मजबूत हो गई है। मोदी सरकार किसी भी हाल में चीन की नापाक चालों को सफल नहीं होने दे रही है। किसी भी स्थिति में चीन की सेना को धूल चटाने के लिए न केवल ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल की तैनाती कर दी गई है, बल्कि होइजर तोपों की तैनाती भी की जा चुकी है। इसके अलावा भारत ने पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में T-72 टैंकों की तैनाती भी की है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन को भी उतारा गया है। किसी भी पल आर पार की लड़ाई के लिए सेना को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। सीमावर्ती इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। चीनी सैनिक कोई नापाक योजना ना बना रहे हों, इसके लिए सेना पूरी तरह अलर्ट है। दरअसल चीन पहले भी भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है। 1962 में भी चीन ने चुपके से बिना किसी चेतावनी के पीछे से आक्रमण कर दिया था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की नाकाम नीतियों के कारण भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ गया था। मगर अब हालात बदल चुके हैं और मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखकर स्पष्ट हो चला है कि वो चीन को हल्के में नहीं ले रही। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।